Welcome back to Indian Scale Institute. Myself Robin Bhagadar. बच्चों फेज टू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कल से ही डेट आ चुकी थी, लेकिन अब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है. वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आप लोग फेज टू रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिएगा, तभी आपके रिजल्ट आएंगे, वरना रिजल्ट आपके पब्लिश नहीं किए जाएंगे. ठीक है ना. अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बच्चों आप लोग पर्सनल डिटेल में वही मम्मी पापा का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें फिल करनी होंगी. अब इसमें अगर आपके पास रिलीजियन सर्टिफिकेट है माइनॉरिटी का तो आप वो भी फिल करिएगा. आपने नीट की प्रिपरेशन किससे की, सेल्फ स्टडी की या कहीं कोचिंग की, ये भी आपसे मांगा जाएगा. ठीक है ना, ये भी आप फिल करिएगा. ठीक है ना. इसके बाद बच्चों पेरेंट्स की क्वालिफिकेशंस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, ये भी मांगा जाएगा आपसे, ये भी फिल कर दीजिएगा. और इसमें बच्चों आपने फेस वन रजिस्ट्रेशन में 12th की मार्कशीट की डिटेल फिल की थी, लेकिन फेस वन में बच्चों आपसे 10th और 11th सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी जाएगी. अब बहुत सारे बच्चों के पास 10th और 11th के डाटा नहीं होते, तो प्लीज़ आप लोग स्कूल में जाइए, आपके खो गए हैं वहाँ से, स्कूल में सारी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे, वहाँ से डिटेल निकालिए. ठीक है ना. इसमें क्या क्या फिल करना है बच्चों, इसमें ये फिल करना है कि आपने कब पास किया था एग्जामिनेशन, है ना, वो आपका CBSE बोर्ड था, ICSE बोर्ड था, UP बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था, ये आपको फिल करना है. ठीक है ना. ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद बच्चों अब इसमें आपसे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आपको लगाना होगा, OBC हैं, जनरल है ना जो है, और PWBD सर्टिफिकेट्स जिसके पास लगा दें, 10th के सर्टिफिकेट्स आपको लगाने होंगे. अब 10th के सर्टिफिकेट्स कुछ लोगों में मार्कशीट को ही पहले 10th का सर्टिफिकेट माना जाता था, लेकिन बाद में स्कूल वाले ये भी दे रहे थे कि लिख के कि फला फला नेम ये, पासिंग ईयर ये, दिस बोर्ड, है ना, इसी को कहते थे हम लोग क्या बच्चों, 10th का सर्टिफिकेट. कुछ लोगों में मार्कशीट को ही 10th का सर्टिफिकेट माना जा रहा है. और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट में बच्चों सिटीजनशिप में अगर आप इंडियन ही हैं तो आपको ज़रूरत नहीं, जो अदर कंट्री के हैं उनको ज़रूरत है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये सारी डिटेल आप जो है फिल करके सबमिट कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाएगा, अन्यथा आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा. वही लोग फिल कर सकते हैं जिन्होंने फेस वन रजिस्ट्रेशन किया हो, यानी नीट का एग्ज़ाम दिया हो. बाकी चीज़ें आपको पता है, रोल नंबर, सारी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी पता होगा, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ फिल कर लीजिएगा. ठीक है बच्चों. ओके. अगर कोई भी और डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिए अपने कमेंट को, हम उसका रिप्लाई करेंगे. ओके बाय बच्चों.